गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रगण, अपने जिंदगी में हमेशा सकारात्मक सोच रखें, बच्चों के साथ खेलकूद करें, प्रकृति के साथ सजे संवरे, पक्षियों की चहचहाहट, झील की कलकलाहट, नदियों और प्रकृति के साथ खेलें, प्रकृति के वातावरण में स्वयं को समाहित करें, तनाव से दूर रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही जिंदगी का फलसफा है, यही सफलता का मापदंड तय करती है। छात्रगण, आप प्रकृति के जितने नजदीक आएंगे उतना ही जीवन में शांति और सुकून पाएंगे, इसलिए एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और अपने जिंदगी को शांति, सुकून और विकास के पथ पर अग्रसर करें। छात्रगण, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कला के बेताज बादशाह, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जिसके बारे में कहा जाता है, शाहजहां के बारे में अध्ययन किया था। आज छात्रगण, इसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, औरंगजेब। औरंगजेब लिखिए, कार्यकाल भी लिख लेंगे छात्रगण, 1658 से 1707, 1707 लिखिए। इसका वास्तविक नाम आलमगीर था, इसका वास्तविक नाम आलमगीर था। नेक्स्ट, इसका जन्म 1618 में, इसका जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान में हुआ था। उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट, औरंगजेब के पिता शाहजहां एवं माता मुमताज थी। नेक्स्ट, शाहजहां के चार पुत्र थे। नंबर एक दारा शिकोह, नंबर दो औरंगजेब, नंबर तीन शाह सुजा, नंबर चार मुराद। शाह सुजा, नंबर चार मुराद। नेक्स्ट, औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत अर्थात दक्कन का गवर्नर था। गवर्नर प्रमुख सूबेदार था। यह दो बार दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। नंबर एक 1644 से 1644, नंबर दो 1652 से 1657, 1652 से 1657। नेक्स्ट, औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ था, प्रथम 1658 में आगरा में तथा द्वितीय
1659 में दिल्ली में। नेक्स्ट, औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी, पतन के लिए उत्तरदायी थी। नेक्स्ट, औरंगजेब के व्यक्तित्व के पहलुओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। औरंगजेब के व्यक्तित्व के पहलुओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक, सकारात्मक पक्ष। नंबर दो, नकारात्मक पक्ष। अब लिखिएगा, हेडिंग बनेगा छतगण, औरंगजेब के व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष। लिखिए, नंबर एक, औरंगजेब मुगल शासकों में सबसे ज्यादा चरित्रवान था। नेक्स्ट, नंबर दो, इसने नृत्य, संगीत, वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी थी। इसने नृत्य, संगीत, वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, इसने मदिरा पान, अफीम, चरस, गांजा, एवं अन्य नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, इसने तुलादान प्रथा अर्थात राजा को सिक्कों से तौला जाना पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, इसने झरोखा दर्शन अर्थात बादशाह राजमहल के झरोखे से एक निश्चित समय पर प्रजा को दर्शन देते थे। इस प्रथा पर औरंगजेब ने रोक लगा दी।
नेक्स्ट, इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। नेक्स्ट, इसने राजकोष से एक भी पैसा नहीं लिया। राजकोष से एक भी पैसा नहीं लिया तथा टोपी सिलकर एवं कुरान की आयतें लिखकर उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, औरंगजेब एक मितवई यानी कम खर्चीला, मितवई अर्थात कम खर्चीला शासक था। कम खर्चीला शासक था, खर्चीला शासक था। नेक्स्ट, औरंगजेब को उसके व्यक्तित्व में निहित अच्छे गुणों के कारण जिंदा पीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रगण, जिंदा पीर या चलता फिरता दरवेश अर्थात संत, चलता फिरता दरवेश अर्थात संत कहा जाता है। संत कहा जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे जिनकी संख्या 1/3 अर्थात 33% थी। 1/3 अर्थात 33% थी। यह है छगन औरंगजेब के व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव पहलू जिसे आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या पॉजिटिव है छात्रगण? हर व्यक्तित्व में छात्रगण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में पूरे तरीके से पॉजिटिव हो जाए तो वह भगवान बन जाए, किसी के अंदर यदि पूरे तरीके से नेगेटिव हो जाए तो वह दानव बन जाए, वह राक्षस बन जाए छात्रगण, वह शैतान बन जाए छात्रगण। हर व्यक्तित्व में आपको सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों देखने को मिलेंगे। किसी में नकारात्मक पक्ष ज्यादा होते हैं, सकारात्मक पक्ष कम होते हैं। किसी में सकारात्मक पक्ष ज्यादा होते हैं, नकारात्मक पक्ष कम होते हैं। ये मानव का विशिष्ट पहलू है छत्रगण, ध्यान रखिएगा छत्रगण। औरंगजेब के व्यक्तित्व के चरित्र चित्रण को जब हम लोग करते हैं तो हमें दो पहलू नजर आते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। छत्रगण औरंगजेब के व्यक्तित्व में पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक क्या है, अच्छी बातें क्या है? आप किसी भी व्यक्तित्व के पहले सकारात्मक पक्ष को ढूंढिए तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी।
आपको अंदर से ईर्ष्या, द्वेष या उसके प्रति नफरत की भावना नहीं आएगी छात्रगण, है ना। क्यों? क्योंकि आप यदि किसी चीज में भी पॉजिटिव देखोगे तो फिर आपको उसको नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी, नेगेटिविटी कम नजर आएगी, है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव पक्ष किसी के देखिए। नेगेटिव तो छात्रगण सब में है, इंसान तो भगवान में भी नेगेटिव ढूंढ लेता है, तो इंसानों की औकात क्या है, है ना। तो छात्रगण ध्यान दीजिएगा, क्या है औरंगजेब का व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष। छात्रगण मुगल शासकों में सबसे ज्यादा चरित्रवान शासक यदि कोई था तो औरंगजेब था छात्रगण। ऐश्वर्य विलासिता से कोसों दूर, मांस मदिरा से कोसों दूर रहने वाला यह शासक जिंदा पीर या चलता फिरता दरवेश कहा जाता है। छात्रगण पूछेगा किस मुगल शासक को जिंदा पीर या चलता फिरता दरवेश या संत कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। छात्रगण क्यों कहा जाता है? गीत संगीत पर रोक लगा दी। बादशाहों का सबसे पसंदीदा शौक गीत संगीत नृत्य, रोक लगा दिया। वैश्यावृत्ति पर रोक लगा दी छात्रगण। जितने भी नशीले पदार्थ थे, मदिरा, अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू, सबों पर रोक लगा दिया छात्रगण। जितने भी दिखावे की प्रथा थी, तुलादान प्रथा, राजा को सिक्कों में तराजू में तोला जाता था सिक्कों के द्वारा और सिक्कों को गरीबों में बांट दिया जाता था। औरंगजेब ने पूछा क्या इससे तुम गरीबी दूर कर दोगे? क्या तुम्हारा मकसद है केवल बादशाह को खुश करना और उनसे काम निकलवाना? नहीं, मैं ऐसे दिखावे को मैं नहीं मानता हूं। तुलादान प्रथा पर भी उसने छतगन रोक लगा दी थी। राजा को सिक्कों से तोला जाता था तराजू में छतगन। झरोखा दर्शन, बादशाह सलामत एक नियत समय पे, मान लीजिए सुबह 10 से 11, महल के झरोखे में आके बैठ जाते थे। प्रजा उनका दीदार करती थी, उनको सलाम करती थी। औरंगजेब ने कहा नहीं, तुम इस समय में कुरान पढ़ो, शरीयत पढ़ो, अल्लाह को याद करो, खुदा की इबादत करो, उससे तुम्हें फायदा होगा, मेरे दर्शन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसने झरोखा दर्शन पर भी रोक लगा दिया छतगन। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए औरंगजेब के द्वारा किए गए कार्य काफी प्रासंगिक तो है ही, ग्रहण करने योग्य हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। छतगन राजकोष से या एक रुपया भी नहीं लेता था और जनता को कहता था, अपने मंत्रियों को कहता था कि राजकोष में जो डाली गई कमाई है वो जनता की गाढ़ी कमाई है, जनता से लिए गए टैक्स है, इसे हमें जनता पर खर्च करना है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। छतगन खुद टोपी सिलकर गुजारा करता था, कुरान की आयतें लिख करके उसे बाजार में बेचकर गुजारा करता था। मृत्यु के पहले भी इसने 2 रूम भर करके टोपियां रख दी थी और कहा था अपने दरबारियों से कि इन टोपियों को बेच करके जितना खर्च आएगा उतने ही से मेरे अंतिम संस्कार करना, राजकोष से 1 रुपया मत लेना। छतगन आज वेतन वृद्धि के मामले में, संसाधनों और सुविधाओं के वृद्धि के मामले में, जब सांसदों और विधायकों की बारी आती है, मंत्रियों की बारी आती है, तो सभी एक हो जाते हैं। वहां ना कांग्रेस होता है ना भाजपा होती है, सबों के हाथ उठ जाते हैं। क्या वेतन बढ़ाया जाए? हाँ बढ़ाया जाए। क्या सुविधाएं बढ़ाई जाए सांसदों और विधायकों को? हाँ बढ़ाई जाए। जनता पर करों का बोझ बढ़ेगा, क्या आपको कोई आपत्ति है? बढ़ने दीजिए, जनता को आदत है। सोचिए छतगन कितनी बड़ी बात है ये। और औरंगजेब ने एक नया रास्ता दिखाया छात्रगण, एक नई मिसाल कायम की, टोपी सिल करके गुजारा किया, कुरान की आयतें लिख करके गुजारा किया, लेकिन राजकोष से 1 भी रुपया नहीं लिया। इसलिए इसे चलता फिरता दरवेश या जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो छात्रगण औरंगजेब का जीवन हमें एक सबक देता है कि चरित्रवान बनना चाहिए और प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये इसके व्यक्तित्व के पॉजिटिव पहलू हैं, सकारात्मक पहलू हैं, ध्यान रखिएगा। पूछेगा किस मुगल बादशाह ने तुलादान प्रथा पर रोक लगा दी? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने गीत संगीत नृत्य पर रोक लगा दी? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने वैश्यावृत्ति पर रोक लगा दी? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन पर रोक लगा दिया? औरंगजेब ने लगा दिया था छतगन। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें छतगन। जिंदा पीर, चलता फिरता दरवेश या संत कहा जाने वाला शासक के व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू भी हैं। अब हेडिंग बनाएगा छतगन, औरंगजेब के व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू। औरंगजेब के व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू, पहलू लिखिए। नंबर 1, सबसे कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था।
सबसे कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। नेक्स्ट, धार्मिक रूप से अत्यधिक कट्टर होने के कारण कारण केवल इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहता था। बाकी धर्मों के प्रति इसके मन में सम्मान की भावना नहीं थी। कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट टेंशन देके लिखेंगे, या भारत को दारुल हर्ब हर्ब अर्थात काफिरों का देश कहता था, या भारत को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश कहता था तथा इसे दारुल इस्लाम अर्थात इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। नेक्स्ट, इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर लगा दिया। नेक्स्ट, इसने सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली के चांदनी चौक में करवा दी। नेक्स्ट रिटेंशन, इसने जाट सरदार गोकला की हत्या मथुरा में करवा दी। नेक्स्ट, इसने शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या करवा दी तथा शिवाजी के पौत्र एवं संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद में डाल दिया। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के दो नौनिहाल पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह
फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह के दीवार में चुनवा कर, दीवार में चुनवा कर प्लास्टर मरवा दिया, खवा करके दीवार में चुनवा कर क्रूरतापूर्ण हत्या करवा दी, क्रूरतापूर्ण हत्या करवा दी। नेक्स्ट, राजपूतों, सिखों, मराठों, जाटों, सतनामियों को अपना शत्रु बना लिया, शत्रु बना लिया। नेक्स्ट, हिंदू अभिवादन जैसे प्रणाम, प्रणाम इत्यादि पर रोक लगा दी। नेक्स्ट, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर कौमा मथुरा का केशव राय मंदिर, केशव राय मंदिर कौमा गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मंदिर को नष्ट करवा दिया, नष्ट करवा दिया। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड आप लोगों की। नेक्स्ट देखते हैं, पारसियों के प्रसिद्ध पर्व नौरोज, पारसियों के प्रसिद्ध पर्व नौरोज पर रोक लगा दी, नौरोज पर रोक लगा दी। नेक्स्ट, तीर का निशान, जिस प्रकार यह हो गया छात्रगण नकारात्मक पहलू, जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने के फोरे ने नेपोलियन का सर्वनाश कर दिया था, उस प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट, तीर्थंकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, गई। नेक्स्ट, औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। छात्रगण ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। छात्रगण नकारात्मक क्या था औरंगजेब में,
धार्मिक रूप से कट्टर था, छात्रगण मतांध था, अकबर के बिल्कुल विपरीत था। अब अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, औरंगजेब एक सांप्रदायिक शासक था। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, औरंगजेब केवल इस्लाम का सम्मान करता था, बाकी धर्मों के प्रति आदर की भावना नहीं रखता था। छात्रगण, अकबर ने धर्मनिरपेक्षता रूपी विचारधारा से मुगल साम्राज्य के इमारत को बुलंदियों तक पहुंचाया था, और औरंगजेब ने सांप्रदायिकता रूपी विश्व मन से मुगल कालीन इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरे तरीके से धराशायी कर दिया, छात्रगण ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए बहुत ही उत्तरदायी थी। छात्रगण, धार्मिक रूप से यह मतान शासक हिंदू धर्म के प्रति क्रूर भावना रखता था, तथा भारत को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश कहता था। जो कि इस्लाम में विश्वास न करते हों, जो मूर्ति की पूजा करते हों, वो काफिर हैं, ये कहना था इसका। छतगन यह भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, इस्लामिक देश बनाना चाहता था, ये इसकी सोच थी, इसे आपको ध्यान रखना होगा। छतगन अकबर ने सिखों के साथ, राजपूतों के साथ, मराठों के साथ, सबके साथ बेहतर संबंध स्थापित किए, लेकिन औरंगजेब ने सबों के साथ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की। छतगन सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर उनके शीश को दिल्ली के चांदनी चौक में लटकवा दिया। छतगन जिनके नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली के चांदनी चौक में, इतना क्रूर था। शिवाजी के पुत्र संभाजी की क्रूर हत्या करवा दी, उनके मांस को कुत्तों को खाने को के लिए फेंक दिया, और उनके जो शरीर का जो चमड़ा था उसमें भूसा भरवा दिया। छात्रगण सोचिए क्रूरता की पराकाष्ठा थी ये अपने आप में, है ना, ध्यान दीजिएगा। सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दो नौनिहाल पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में खड़ा करके छात्रगण प्लास्टर मरवा दिया, चुनवा दिया। सोचिए कितनी क्रूर हत्या थी ये। छात्रगण जाट सरदार गोखला की हत्या करवा दी, है ना, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के पुत्र संभाजी के पुत्र अर्थात शिवाजी के पौत्र साहू को मुगल कैद में नजरबंद कर दिया। छतगन कट्टरता इसके मन में भरी हुई थी, है ना। पारसियों के प्रसिद्ध पर्व नवरोज पर रोक लगा दिया, हिंदुओं पर फिर से तीर्थ यात्रा का और जजिया का लगा दिया गैर मुसलमानों पर छतगन, जबकि अकबर ने इन पर रोक लगा दी थी। छतगन बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर भी इसने आक्रमण कर दिया और इन्हें नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। छतगन छतगन औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन का सर्वनाश कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फौवे ने, दक्षिण भारत के फौवे ने औरंगजेब का सर्वनाश कर दिया। छतगन 89 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 89 ईयर्स, तलवार लिए ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत चल आता जाता रहा। कभी दक्षिण भारत में मराठे विद्रोह कर दें तो उत्तर भारत में सिख और राजपूत विद्रोह कर दें, उत्तर भारत में आकर के सिखों और राजपूतों के विद्रोह को दबाए तो फिर दक्षिण भारत में मराठे सर उठा लें। जिंदगी इसकी इसी में बीत गई। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार स्पेन के फौवे ने नेपोलियन का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन के फौवे ने औरंगजेब का सर्वनाश कर दिया। 1707 ईस्वी में इस शासक की मृत्यु हो गई। छतगन इसका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत हिट क्वेश्चन है, पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह भारत को दारुल हर्ब कहता था? औरंगजेब। दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है? काफिरों का देश। औरंगजेब भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहता था? दारुल इस्लाम, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। ये सारे चीजों को छतगन याद रखेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में छतगन प्रश्न पूछे जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आपको मुश्किलों का सामना छतगन किसी भी हाल में नहीं करना पड़े। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मनन कीजिएगा, और औरंगजेब से जुड़े हुए हर पहलुओं को छतगन याद रखिएगा। एक तरफ तो यह चरित्रवान है, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता, धार्मिक मतांधता, सांप्रदायिकता के कारण इतिहास में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी था। छतगन जहां एक और अकबर ने सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई,
वहीं औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति का परिचय देते हुए मुगल साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए छात्रगण ध्यान रखिएगा, पूछेगा किस मुगल शासक की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी थी, औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी थी। इसे आपको ध्यान रखना है छात्रगण, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 10 रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा छात्रगण, मुगल कालीन कला एवं संस्कृति लिखिएगा छात्रगण, स्थापत्य कला लिखिए, बाबर के समय स्थापत्य कला, बाबर के समय स्थापत्य कला लिखिए, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ने 1527 में ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बाबर फूलों बाग बगीचों का बेहद शौकीन शासक था, नेक्स्ट हडिम नेगा, हुमायूं के समय स्थापत्य कला लिखे, हुमायूं ने दीन पनाह नगर एवं उसके अंदर दीन पनाह महल का निर्माण दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण इसकी पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने लाल पत्थरों से करवाया था। इस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि इस इमारत को देखकर ही शाहजहां ने आगरा में
ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरे के साथ चार अन्य मकबरे भी मौजूद हैं। हुमायूं के मकबरे के साथ चार अन्य मकबरे भी मौजूद हैं। नेक्स्ट, अकबर के समय स्थापत्य कला, अकबर के समय स्थापत्य कला। नेक्स्ट लिखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की तथा इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अकबर ने तीन लाल किले बनवाए थे, अकबर ने तीन लाल किले बनवाए थे। नंबर एक, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला। नंबर दो, इलाहाबाद का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला। नंबर तीन, लाहौर का लाल किला, लाहौर का लाल किला। नेक्स्ट, अकबर ने अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी में, सीकरी में निम्न इमारतों का निर्माण करवाया था, निम्न इमारतों का निर्माण करवाया था। नंबर एक, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। नंबर दो, बीरबल का महल, महल। नंबर तीन, मरियम उज्जमानी, मुगल सुल्तान की, मुगल बादशाहों की सबसे प्रिय पत्नी को मरियम उज्जमानी का उपाधि मिलता था, मुगल शासकों की सबसे प्रिय पत्नी को मरियम उज्जमानी का उपाधि मिलता था, मरियम उज्जमानी का महल। नेक्स्ट, इबादत खाना, इबादत खाना। नेक्स्ट, पंच महल, पंच महल। नजदीक लिखेगा, इसमें बौद्ध प्रभाव नजर आता है, बौद्ध प्रभाव नजर आता है। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। नेक्स्ट, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में अकबर ने, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में, किया था। यह भारत का लाल पत्थरों से निर्मित सबसे ऊंचा दरवाजा है, सबसे ऊंचा दरवाजा है।
दरवाजा है। छठगन ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे? पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था? नंबर एक आगरा का लाल किला, नंबर दो लाहौर का लाल किला, नंबर तीन दिल्ली का लाल किला, नंबर चार इलाहाबाद का लाल किला। छठगन दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। छठगन फिर आपसे पूछेगा, इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, पूछेगा फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी? अकबर ने की थी। किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था? अकबर ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। छठगन फतेहपुर सिकरी में अकबर ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जोधाबाई का महल, मरियम-उज़-ज़मानी का महल, बीरबल का महल, छठगन इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल। पूछेगा पंचमहल में किस प्रकार का प्रभाव नजर आता है? बौद्ध प्रभाव नजर आता है। छठगन इसने बीरबल के महल, जोधाबाई के महल, मरियम-उज़-ज़मानी का महल इत्यादि तो बनवाया ही, पंचमहल का भी निर्माण करवाया था। छठगन इबादत खाना का भी निर्माण इसने फतेहपुर सिकरी में करवाया था, जो 1575 में स्थापित किया गया और 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। छठगन गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर ने कौन सा प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह बनवाया था? बुलंद दरवाजा, यह भारत का लाल पत्थरों से निर्मित सबसे ऊंचा दरवाजा है छठगन, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। कभी मौका लगे, आगरा से मात्र 35 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सिकरी, ताजमहल का तो दीदार करें ही करें, प्रेम और मोहब्बत का प्रतीक, लेकिन फतेहपुर सिकरी जाना भी ना भूलें, अकबर की राजधानी है ना, ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सिकरी कहां है? उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट स्थित है। तो छठगन अकबर द्वारा बनाई गई हर एक इमारतों के नाम को याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत जबरदस्त रूप से आता है कि अकबर ने कौन कौन से इमारतों का निर्माण करवाया था, किसमें कौन सा प्रभाव नजर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी मनन करना है, ये भी याद रखना है, ये भी स्मरण करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी छठगन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आज छठगन कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, अगली कक्षाओं में हम लोग जहांगीर और शाहजहां के स्थापत्य कला के साथ साथ औरंगजेब के समय स्थापत्य कला के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।